हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डिलीजेंस डिज़ाइन में। और आज आप लोग देखने वाले हो कि फोटोशॉप में किस तरह से डिस्पर्शन इफेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्पर्शन इफेक्ट करने के समय सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमेशा बना रहता है वो है कि हम ब्रश क्या यूज़ करें। आप कुछ भी ब्रश बना सकते हैं या फिर आप कोई भी ब्रश आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड और बनाना मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। और आप अगर आप ब्रश डाउनलोड करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यह है ब्रश ईजी, ठीक है। brusheasy.com में आप जाइए और यहाँ पे आपको ब्रश मिल जाएंगे। मैं जो अपने ट्यूटोरियल में जो ब्रश यूज़ करने वाला हूँ वो है ब्रोकन क्लास, ठीक है। तो ब्रोकन क्लास यहाँ पे देखिए, आपको हज़ारों ब्रोकन ग्लास के ऊपर ब्रशेस मिल जाएंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रोकन ग्लास ही नहीं, आप चाहे तो आप अलग से डिस्पर्शन इफेक्ट के लिए आप ब्रशेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे आपको डिस्पर्शन इफेक्ट के ऊपर भी हज़ारों ब्रशेस मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से कोई एक ब्रश इंस्टॉल करता हूँ, मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है इसे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे इसके फ्री डाउनलोड में आके इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। अब आप फाइल पे क्लिक कीजिए, जिप फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर नज़र आएगा, जिस फोल्डर के अंदर आपका रहेगा ABR फाइल। तो ABR फाइल आपके फोल्डर के अंदर भी रह सकते हैं या फिर किसी फोल्डर के बाहर भी रह सकता है। तो ABR फाइल के ऊपर आप कीजिए डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका अब ब्रश इंस्टॉल हो गया है। अब आप अपने ब्रश को सिलेक्ट कीजिए, बी प्रेस कर दीजिए और आपका ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे ये सारे डिस्पर्शन इफेक्ट के यहाँ पे ब्रश इंस्टॉल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रश आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप अपने खुद से एक ब्रश बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो ब्रश है, ये वाला ब्रश, ये ब्रश मैंने खुद से बनाया है। तो इस ब्रश को मैंने कैसे बनाया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लीजिए, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्ट किया, आप पेन टूल से भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी शेप ले सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्ट किया कस्टम शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको थंडर टाइप के शेप को मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने सिंपली इसे ड्रैग कर दिया, इसे मैंने बना लिया यहाँ पे एक थंडर ब्रश। तो इसका अभी फिल ऑन है और अभी इसका स्ट्रोक ऑफ है। तो मैं पहले इसके फिल को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको स्ट्रोक को मैंने ऑन कर दिया। तो अब जब आपका फिल ऑफ और स्ट्रोक आपका ऑन है, तो आप आइए यहाँ पे अपने एडिट में आने के बाद आप आइए अपने डिफाइन ब्रश प्रीसेट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका ब्रश नेम टैब ओपन हो जाएगा। अब आप अपने ब्रश को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे सेव करता हूँ Thunder 2 से, ठीक है। अब मेरा ब्रश यहाँ पे सेव हो गया है। मैं एक बार इस शेप को डिलीट करता हूँ और जैसे ही मैं अपना ब्रश सिलेक्ट करूंगा, देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे ब्रश एक थंडर शेप में आ गया है। तो इस तरीके से आप जैसा चाहे आप ब्रश बना सकते हैं। तो ये हो गया ब्रशेस के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने मेन ट्यूटोरियल में। तो जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट है आज के लिए, तो पहले आप अपने सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिए, ठीक है। इस कॉपी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। आप चाहे तो पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेन टूल के ऊपर मेरा लास्ट ट्यूटोरियल जो था वो पेन टूल के ऊपर था कि आप पेन टूल से किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, स्पेस बार या फिर शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, इन सब का क्या क्या यूज़ है। तो अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप एक बार मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में जाइए, ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके
पेन टूल के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग ही सिलेक्शन बन चुका है। सिलेक्शन बनने के बाद आप सिलेक्टेड मास्क में आइए, ठीक है। तो जो लोग फोटोशॉप सीसी यूज कर रहे हैं 2015 के अबव वर्जन का, उनके यहाँ पे सिलेक्टेड मास्क रहेगा। और जो लोग सिलेक्टेड मास्क जिनका नहीं है, ठीक है, तो आप रिफाइन एज में भी जा सकते हैं, रिफाइन एज इज सेम। और एक और ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि जो लोग सिलेक्टेड मास्क के संग कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग जाइए सिलेक्ट में, सिलेक्टेड मास्क के यहाँ पे आइए और अपने शिफ्ट को प्रेस करके रखिए। उसके बाद आप क्लिक कीजिए यहाँ पे सिलेक्टेड मास्क में, देखिए आपका यहाँ पे रिफाइन एज का टैब ओपन हो गया है, ठीक है। तो रिफाइन एज का टैब ओपन होने के बाद या फिर सिलेक्टेड मास्क का टैब ओपन करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए रिफाइन रेडियस टूल। रिफाइन रेडियस टूल सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ पे भी आपको लगता है अपने सिलेक्शन के रेडियस को थोड़ा बेहतरीन बना सकते हैं, वहाँ पे आप एक बार ब्रश कर लीजिए, ठीक है। तो ब्रश कर देने के बाद आप आइए आउटपुट टू, आउटपुट टू आप आके यहाँ पे कीजिए न्यू लेयर। न्यू लेयर आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके हिट कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक नया लेयर में आपका सिलेक्शन आ गया है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल होल्ड करने के बाद आप न्यू लेयर के आइकन में एक बार आप क्लिक कीजिए, तो आपका नीचे आपके ठीक इस टॉप लेयर के नीचे आपका एक नया लेयर बन जाएगा। इस लेयर को आप फिल कीजिए व्हाइट कलर से, अब इसे व्हाइट कलर से फिल कर दीजिए, ठीक है। तो फिल करने के बाद अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आया, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसके बॉर्डर्स कुछ अच्छी तरीके से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप आइए अपनी इस लेयर में, लेयर का आप सिलेक्शन कीजिए, कंट्रोल होल्ड करके रखिए और लेयर के थंबनेल के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे लेयर का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे सिलेक्ट में, सिलेक्ट में आने के बाद आप आइए मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, आपको जो सिलेक्शन आपने यहाँ पे किया है उस सिलेक्शन को वो 2 पिक्सल, आप मैक्सिमम 2 पिक्सल ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि 2 पिक्सल से ज़्यादा खराब कोई भी सिलेक्शन नहीं करता। तो वो 2 पिक्सल या 1 पिक्सल के हिसाब से वो सिलेक्शन को कम कर देता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 2 पिक्सल सिलेक्टेड है, मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे सिलेक्शन 2 पिक्सल अंदर की तरफ चला गया। तो जैसे मेरा यहाँ पे सिलेक्शन 2 पिक्सल अंदर की तरफ चला गया, अब मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स करता हूँ। तो इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने के बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ पे इन्वर्स हो गया है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेक्शन डिलीट हो गया है, मेरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम था वो भी चला गया है। तो अब आप इस लेयर को आप एक रीनेम कर दीजिए, रीनेम करके रखिए आप इसे लिक्विफाई। इसका एक आप एक कॉपी कर लीजिए और कॉपी को आप रीनेम करके रखिए बॉर्डर्स। तो इस बॉर्डर के लेयर को अभी के लिए आप ऑफ कर दीजिए, लिक्विफाई के लेयर में आइए और लेयर में आने के बाद आप जाइए लिक्विफाई के ऑप्शन में। तो यहाँ से आप फिल्टर से आप लिक्विफाई के ऑप्शन में जा सकते हैं, फिर आप सिंपली शिफ्ट कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए और आपका लिक्विफाई का टैब ओपन हो जाएगा। तो लिक्विफाई का टैब ओपन हो जाने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए रैप टूल, फॉरवर्ड रैप टूल, और रैप टूल सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपका डेंसिटी है 100% और प्रेशर भी है 100%। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल दीजिए। यहाँ पे एक बार आपका लिक्विफाई यहाँ पे हो जाए, फिर आप कीजिए ओके प्रेस। यहाँ पे लिक्विफाई हो जाने के बाद आप इस लिक्विफाई के ऊपर एक लेयर मास्क आप अप्लाई कर दीजिए। तो लेयर मास्क यहाँ पे आइए, मेक श्योर कि आपने ऑल्ट प्रेस किया है, क्योंकि आपको इनवर्स लेयर मास्क अप्लाई करना है। तो ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लेयर मास्क के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अब आप आइए अपने बॉर्डर्स के लेयर में, बॉर्डर्स के लेयर का विजिबिलिटी आप ऑन कीजिए और इसके ऊपर भी आप एक लेयर मास्क अप्लाई कीजिए, बट वो एक नॉर्मल लेयर मास्क होना चाहिए। तो लेयर मास्क अप्लाई हो जाने के बाद अब आप सिलेक्ट कीजिए अपना ब्रश। मैंने यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर लिया,
आप अपने ब्रश के टैब को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपली इसके बॉर्डर्स पे ब्रश कर लीजिए। यस, ठीक है। तो यहां से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपने इसका बॉर्डर क्लियर कर दिया। तो बॉर्डर क्लियर करने के बाद अब आप आइए अपने लिक्विफाई के लेयर में। लिक्विफाई लेयर का आप था लेयर मास्क को सिलेक्ट कीजिए। अब आप फिर से अपने ब्रश को सिलेक्ट करके रखिए। मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो आप एक्सप्रेस करके रखिए अपने फोरग्राउंड कलर को वाइट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप अपने ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और यहां से आप ब्रश कर दीजिए इसके ऊपर। तो दोस्तों, डिस्पर्शन इफेक्ट का एक सिंपल रूल ये है कि आप जितने अपने बॉडी के अपने सब्जेक्ट के पास रहेंगे, आपके ब्रश के पार्टिकल्स उतने छोटे रहेंगे, और आप जैसे भी दूर जाते रहेंगे आपका ब्रश का पार्टिकल उतना बड़ा होता रहेगा। तो अभी आप अपने ब्रश के पार्टिकल्स को छोटा रखिए। ठीक है, अब मैं अपने ब्रश के पार्टिकल्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आप अपने ब्रश को चेंज करते रहिए। ठीक है, तो एक बार आपका यहाँ पे ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रशेस एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे जो भी ब्रश यहाँ पे बॉर्डर में दे दिया था, आप उसे क्लियर कर दीजिए। मेक श्योर कि आप इसी लिक्विफाई क्लियर के मार्क्स में हैं और फिर आप उसे क्लियर कर दीजिए। आपका ब्रश का फोरग्राउंड कलर वाइट है। चलिए, तो अब आप चाहे तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लिया, फिर मैंने सेलेक्ट किया अपने ग्रेडियंट को। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपना ग्रेडियंट, पर मैंने इस ग्रेडियंट को यहाँ से इस तरीके से कुछ अप्लाई किया। तो ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट मेरा अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस ग्रेडियंट के ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज करके रखता हूँ। डार्कन सही नहीं लग रहा, स्क्रीन ठीक ठाक है। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे लाइटन को। अब जैसे ही आपने ब्लेंडिंग मोड एक सेट कर दिया, ब्लेंडिंग मोड का ओपेसिटी को आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे 28 में सेट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे एक और इफेक्ट में अप्लाई कर देता हूँ छोटा सा। न्यू लेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने एक ब्रश सिलेक्ट किया अपना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके फेस में कुछ सनलाइट गिर रहा है, तो मैं भी यहाँ पे एक सनलाइट का यहाँ पे इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कलर कोड, मैंने एक्स कलर कोड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप चाहे तो इस कलर कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी गूगल से आप कोई भी एक कलर कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रश को थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ब्रश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रश कर देने के बाद आप आइए इसके यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में और इसे आप चेंज कर दीजिए ओवरले, नहीं सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट। तो हार्ड लाइट यहाँ पे कुछ सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे डिस्पर्शन इफेक्ट रेडी। तो आप चाहे तो कुछ इस तरीके से डिस्पर्शन इफेक्ट कर सकते हैं, आप ब्रश इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ब्रश आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ। तो आप सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप सिलेक्ट कर लीजिए स्पैम टूल। मेक श्योर कि आपका सैंपल में करेंट लेयर सिलेक्ट हो। ठीक है, ऑल प्रेस कर दीजिए। आप इसके ठीक पास से ही एक सैंपल ले लीजिए
और फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे मेरा डिस्पर्शन इफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो देखते रहिए डिलीजेंट डिज़ाइन और अपने पैशन को बढ़ाते रहिए।